एससी एसटी ओबीसी अधिकार मंच की ओर से डॉक्टर पायल तडवी को न्याय मिले ऐसी मांग के साथ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया था। मुंबई में टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में अभ्यास करती साथ ही रेसिडेंटल डॉक्टर के तौर पर फर्ज निभा रही डॉक्टर पायल तडवी को उनके सीनियर मानसिक तौर पर डॉक्टर पायल को परेशान कर रहे थे। वहीं डॉक्टर तडवी ने कई बार कानूनी कार्यवाही की है, फिर भी कोई निराकरण नहीं आया और हर रोज हो रहे अपमान के चलते डॉक्टर पायल तडवी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते आज एससी एसटी ओबीसी अधिकार मंच की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए न्याय की मांग की थी। ये मैंने 22/5/2019 आज अमे मुंबई की बीवायल नायर हॉस्पिटल अंदर बीजा वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट बीजा वर्ष में अभ्यास करती गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में पायल तडवी ने तेनी साथे भरती त्रण विद्यार्थिनीओ डॉक्टर आहुजा, डॉक्टर भक्ति और डॉक्टर अंकित खंडेलवाल द्वारा सतत हैरानगति करवामां आवती थी। एने जाति आधारित एने पीड़ा आपता था अने न छूटके एने पोते सरकार ने मैनेजमेंट ने त्याना सुप्रिटेंडेंट ने दरेक जे एने खूब रजूआत करवा छता पण आ बाबतनी अंदर कोई मैनेजमेंटे पगला न लेता अने आ हैरानगति न बंद था। दुख साथे एने 22/5/2019 दिवसे आत्महत्या करवी पड़ी छे। आजे अमे एवं बहुत स्पष्ट कहवा मांगीए छीए कि आज देशनी अंदर आ शू वातावरण बनी रह्युं छे, शू आ देशनी अंदर अमने रहेवानो कोई अधिकार नथी। आ डॉक्टर पायलना उपर जे घटना घटी छे एनी रजूआत करवा माटे आजे कलेक्टरशीने आवेदन पत्र आपी अने महाराष्ट्रना मुख्यमंत्री राज्यपालने अमे रजूआत करी छे कि जे आमां गुनेगारो छे ए लोको सामे तात्कालिक पगला लेवामां आवे।